राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे आज के नए ब्लॉग में। तो आज 2 दिन के बाद ब्लॉग बना रही हूँ, बाहर से मोहन की आवाज भी आ रही है। अरे रुक, तो मैं वीडियो बना रही हूँ, थोड़ा धीरे बोल तू। तो 2 दिन के बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ। अरे मक्खी पता नहीं अंदर कहाँ से आके परेशान कर रही है। तो आज है गुरु पूर्णिमा और मेरे सभी गुरु जिनकी बदौलत आज यहाँ तक पहुंची हूँ और जिनके स्नेह प्यार की वजह से आज यहाँ पर हैं, तो उन सभी को मेरी ओर से गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो गाइस, मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूंगी, मेरे आप लोगों का भी सवाल होगा कि इनके जीवन में कौन गुरु रहे हैं जिनकी बदौलत मतलब ये यहाँ तक। सही में मैं अभी जो बोल रही हूँ ना, ये मतलब मेरे को नहीं लगता था मैं कभी ऐसे ब्लॉग बनाऊंगी या ऐसे बोलूंगी, क्योंकि बोलती थी मतलब, लेकिन थोड़ा सा होती है ना झिझक तो रहती है बोलने में। लेकिन आज बेझिझक मतलब ऐसे कैमरा ऑन करो और अपनी जो बात है वो रख दो, ये सब भी गुरु की देन होती है कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस वो अगर ला पा रहे हैं और आ रहा है हमारे अंदर, तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले मैं शेयर करना चाहूंगी मेरे गुरु आदरणीय श्री विनोद कांडपाल सर। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप सर देखते हैं मेरी वीडियो, तो आज मेरे को एक अच्छा मौका मिला है कि मैं अपनी बात सर तक पहुंचा सकती हूँ। तो सर ने मतलब जिंदगी का जो एक मेन पड़ाव होता है, जो जब आप स्कूल में होते हैं तो मेन 11th 12th, तो कई सारी चीज़ें होती हैं जो आपको आपका रास्ता भटका रही होती है, लेकिन सर ने मतलब हमेशा सपोर्ट करा। वो मतलब एक टीचर के जैसे तो रहे साथ और एक पेरेंट्स की तरह भी हमेशा साथ रहे हैं। सही गलत का डिसीजन हमेशा, क्या सही है क्या गलत है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। और सर का जो सब्जेक्ट है ना, वो धीरे धीरे मेरा भी इतना फेवरेट होता गया कि मेरा भी सब्जेक्ट अभी तक वही चल रहा है आगे को। तो थैंक यू सो मच सर कि आपकी बदौलत यहाँ तक पहुँचे हैं। और उसके बाद भी बहुत सारे टीचर्स ऐसे मिले जिन्होंने मतलब हमेशा सपोर्ट किया है मेंटली, हमेशा चाहे कुछ भी हो मतलब वो हमेशा साथ रहे। और अभी भी अगर मुझे यकीन है कि मैं कभी भी उनसे हेल्प मांगू या कुछ भी हो, तो वो हमेशा साथ रहेंगे। हेल्प अगर आपको हो तो फाइनेंशली कोई हेल्प नहीं होती है, आपको जो एक मार्गदर्शन मिलता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सबसे बड़ी हेल्प होती है। तो ऐसे में टीचर्स हमेशा साथ रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। सबको पता होगा कि मैं किस किस की बात कर रही हूँ, सारे टीचर्स जो मेरी वीडियो देखते भी हैं। और उसके बाद मेरे गुरु, अगर मैं अपने आध्यात्मिक गुरु की बात कहूँ, तो परम पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, जिनकी बदौलत सच में मतलब मैं नहीं, सिर्फ मैं नहीं मतलब मेरे परिवार की पूरी स्थिति मतलब जो उनके बदौलत मतलब आई है मेरे घर में, कोई शब्द नहीं है कि मैं महाराज जी के लिए क्या कहूँ। तो वो एक ऐसे टाइम पर मिले थे जब सिचुएशन बहुत ज़्यादा मतलब मेरे परिवार में कहो कि विपरीत चल रही थी, तो ऐसे टाइम पर उनके जो कथा है उसका प्रभाव इतना पड़ा कि मतलब परिवार की स्थिति में सुधार आया। तो महाराज जी के लिए कोई शब्द नहीं है, और थैंक यू, और उनके ही आशीर्वाद से मतलब आज सच में यहाँ तक है। हालांकि वो मेरे दीक्षा गुरु नहीं है, सिर्फ उनको सुनती हूँ, कथा सुनती हूँ उनकी, और जो भी उनकी बातें होती है कोशिश करती हूँ कि उसको मैं फॉलो करूँ। तो बहुत जल्दी अगर महाराज जी की कृपा रही तो उनसे दीक्षा भी जरूर ली जाएगी। तो ये है गुरु पूर्णिमा। मैं पता नहीं क्या क्या बकवास कर रही हूँ, लेकिन अपनी बात है आप लोगों के बीच रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिन। और थैंक यू सो मच मेरे सारे टीचर्स, सारे रिलेटिव, सारे गुरु होते हैं, और रिलेटिव सबसे बड़े गुरु होते हैं जो आपको मतलब ना अंदर से वो करते हैं क्या, प्रेरित करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो गाइस प्लीज, वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि ये आप लोगों का काम है। और अगर आप लोग ऐसे लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, तो मेरे को भी थोड़ा मतलब मैं भी अंदर से प्रेरित होती हूँ कि मैं भी ब्लॉग बनाऊँ। वरना आजकल क्या हो रहा है कि ब्लॉग बनाने का ही मन नहीं हो रहा है, और क्या बनाओ क्या बनाओ ये भी अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है मेरे लिए। तो प्लीज़ आप लोग भी सपोर्ट करना, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। और प्लीज़ जिसमें आपके 100-200 लोग ग्रुप में जुड़े हैं ना, वहाँ एक बार लिंक को शेयर जरूर कर देना आप लोग प्लीज, और ताकि वो लोग भी जुड़े और इस चैनल को खूब आगे बढ़ाना है आप लोगों को, क्योंकि मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाऊं। एक मैंने बहुत जल्दी सोचा है, मतलब इसी महीने आएगा, जुलाई, हाँ जुलाई में ही
इस महीने मैंने इतनी इंटरेस्टिंग वीडियो सोची है ना, मतलब आप लोगों को सच में मजा आ जाएगा वो वीडियो देखकर। तो प्लीज अपना सपोर्ट बनाए रखना और लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। चलिए शुरू करते हैं आज का दिन और क्या क्या करते हैं हम आज के दिन, बने रहना मेरे साथ व्लॉग में। तो गाइस आज लब्बू अपनी मम्मी की साड़ी पहन के तैयार हो रही है, कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत ही अच्छा। मम्मी तो से काट को तैयार थी, इसका कुछ बना रही थी, मैंने कहा लग अच्छी है, ये टी शर्ट के ऊपर ही पहन ली मैंने, पैजामा के ऊपर पहन ली दोस्तों। सही बात है, अक्सर ऐसा ही होता है बताया, लेकिन बस बाहर से लुक दिखना चाहिए कि साड़ी पहनी है करके। बहुत अच्छी लग रही है, थोड़ा हमें वॉक करके दिखाओ। चलो मटकली मटकली क्या है वो गाना, चटकली। हाँ सही, कभी कभी मजे लेने चाहिए। इनको देखो, ये दिन भर इनका कुछ काम नहीं होता है। ये अनारकली क्या हुआ, सोए रहती हो पूरे दिन भर, कुछ काम नहीं है तुम्हारा? चिलम बनाए, चिलम ढोक नहीं मारा। आम नहीं खाए तूने? आम आम खाए नहीं? क्यों नहीं आ रहा तू आजकल ऊपर को बता दो, बरसात और से गुस्सा हो रहा है क्या? आजकल बीमार हो रहा हूँ। क्या हुआ है? सिर में दर्द हो गया, पेट में दर्द हो गया। दर्द हो गया, रोज आएगा ऊपर, रोज ऊपर को आएगा, अच्छा अच्छा खाएगा, बीमार नहीं होगा, है ना? तो गाइस आज दिन के खाने में है चावल और भटका पिसा हुआ साग, लाजवाब होता है सच में, और उसके साथ हरी मिर्च। तो यह है पहाड़ों का खाना। तो गाइस अम्मा आ गई है अभी अपनी दोस्त से मिलने के लिए। हमारी बिल्ली गलत जगह पैदा हो गई है, तुझे खतरों के खिलाड़ी में जाना चाहिए था। ये देखो यहाँ बैठी है, और ये देखो यहाँ, अगर तेरा पैर फिसला तो तू गई बिल्लो, चल नीचे उतर उतर। ये देखो, ये देखो स्टंट बाजी, वाह, ये अब अंगड़ाई। और ये आम के मजे उठाते हुए, कितने मिले आम तुझे आज खेत में? टू। बस एक आ गया, खा लो। एक वहां पे रखा है देखो, सिर्फ वीडियो में कह रही हूँ खा लो। मैं खा के आ रही हूँ, अब नहीं खाऊंगी मैं। ये फॉर्मेलिटी हमारे सामने आप ना ही करें तो आपके लिए बेहतर होगा, है ना? यस। इसको खिलाए, ये नहीं खाती बादाम खाती है, काजू बादाम खाती है, और तभी तो ऐसी स्टंट बाजी कर रही है ना। सच में बादाम खाते हैं, इसलिए वैसी वाली बात ही है। परसों मैंने काजू दिया इसको। तूने खाए काजू बादाम? हाँ, इसने मम्मी से पूछना, आप यकीन नहीं कर रहे, ये बिल्ली खाती है, कालिया गोरी में से एक बिल्ली काजू बादाम खाती है, सब खा लेती है वो। इतना नहीं खिला सकते फिर भाई हम इनको। अब वैसे क्या गिर गया था नीचे, तब खाया उसने। अच्छा हाँ, क्यों रे बिल्लो? बिल्लियों के लिए कहाँ से आ रहे काजू बादाम? सही बात है, आप इंजॉय करो फिर अपना आम, नहीं है हमारे पास बादाम। इस पूरे दिन मैंने वीडियो बना रखी है, लेकिन अगर इसको एडिट करने के लिए मेरे फोन में चार्ज बचा तब ये व्लॉग कल आएगा। गुरु पूर्णिमा वाला बना रखा है ना मैंने आज। यस यस, अगर कल आएगा, क्या लगता है लाइट आएगी कि नहीं? वाली लाइन बोलना चाहती हूँ, कट कर देंगी बीच में ही। इन्होंने कहा कि नहीं है बादाम, का क्या कहा? मैंने कहा नहीं, आप खाओ अपना आम, नहीं है हमारे पास बादाम, नहीं है आपके पास कोई काम, कह रही थी आपके पास कोई काम। भाई जितना मैं एक हफ्ते में, एक दिन में काम कर दूंगी, तू एक हफ्ते में कर ले, बहुत है वो। बात में दम तो है, दम है नहीं, दम है उसमें। अब हम बस मैं अंदर चुपके चुपके वाला काम करते हैं, वैसे कोई दम नहीं है, वैसे कोई दम नहीं है। ये बता मेरे, लाइट क्या लगता है, लाइट आएगी कि नहीं आएगी? शायद शाम तक आ जाए। अच्छा हाँ, हम भी तो मिलाते हैं। आज है गुरु पूर्णिमा, तो कोई ऐसे गुरु जिन्होंने आपके जीवन में परिवर्तन कर दिया हो, वैसे तो कौन ही होंगे जो परिवर्तन कर ले, वही काफी है। मेरे गुरु तो ऐसे रहे हैं, जो भी रहे हैं, मतलब कौन के जीवन परिवर्तन करने की आवश्यकता है। प्रिय गुरु, मेरे प्रिय गुरु कहे तो मेरे पापा भी टीचर ही है, तो मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है गुरु में। एक अगर उनको हटा दें और हटा दो, उनको हटा के बोलो, अपने घर वाले सबको अच्छे लगते हैं, और माता पिता ही, और पहले गुरु होते हैं तो अम्मा, माता पिता, प्राथमिक शिक्षक माँ, पहली मेरी तो अम्मा है भाई, अम्मा अम्मा के वाले हो आप तो। तो मेरे को, मैं फर्स्ट से बताऊं तो मेरे फर्स्ट से तब पका मत तू इन सबको, जल्दी जल्दी बता। अरे मैंने बहुत खतरनाक खतरनाक टीचर रह चुका है, मैं किसी की ऐसे नहीं कह सकती कि किसी की बेइज्जती नहीं करना चाह रही, खुले आम नहीं कर सकती, क्योंकि उनको मैंने व्लॉग दे शेयर भी किया है, एक दो बार स्टोरीज में डाले, मतलब अगर उनके उसमें आ गया तो गलती से तो गई फिर उसके बाद, पर नहीं वहाँ का बता दे कोई धार चुला के।
उधर जाती हूँ। उनको क्या पता चल रहा है? आनंदी मैम मेरे को बहुत अच्छी लगती थी। अच्छा, जो तेरी मम्मी की दोस्त है वो? हाँ, मम्मी की बेस्टी, तो वो अच्छा लगती थी। अच्छा, और क्या परिवर्तन हुआ उनके उनके विचारों से आपके जीवन में? विचारों से परिवर्तन तो कुछ खास परिवर्तन हुआ? अच्छा, बोल। यस, खास परिवर्तन हुआ? बाय चांस नहीं, देख दिया। मैं खुद को परिवर्तित कर लूँ, बहुत है बोल। कोई मुझे परिवर्तित नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता। पहले हम अगर जब तक हम खुद ना सोचे ना, तब तक हमें कोई चेंज ला भी नहीं सकता है। यस यस, ये मेरे को लगता है। तो मैम भी थी, बहुत सारे सर थे और बहुत थे, मतलब गाइस इसका आम तब से एक घंटे से हाथ में है। मैंने व्लॉग के चक्कर में खाया भी नहीं। अभी कितने स्टाइल जगा रही है। चलो, मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर कल लाइट आएगी, मतलब आज सॉरी कल क्या बोल रही हूँ, कल अगर आज लाइट आएगी तब मेरी ये वीडियो एडिट होगी, वरना गाइस परसों आएगा व्लॉग, कल भी नहीं आएगा। yes. और गुरु पूर्णिमा, ऐसा मत कहना कि लेट व्लॉग आया इसके उससे। आज मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, बिना बारिश के, बिना बिजली चमके कुछ हुए, लाइट गई तो गई कहाँ, जानना चाह रहे हैं। बहुत दिक्कत है भाई। कमेंट करो आपके वहाँ है नहीं है लाइट। उनके बाद तो होगी, तभी तो व्लॉग देख रहे होंगे वो। दो दिन के बाद तो मेरा व्लॉग ही आएगा, आज कल तो जाएगा नहीं, मेरे को ऐसा ही लग रहा है। शाम को अगर एडिट कर पाई तो तब कल आएगा, वरना परसों आएगा। तक के लिए नहीं, अब वीडियो खत्म ही कर देते हैं और बाय। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।